13 मार्च किंग पैलेस मेहदीपट्टनम गुड्डी मलकापुर कोहिनूर एक्सपो जरूर आइए आप आपकी फैमिली के साथ और बच्चों को लेकर आइए। और जलपली नरेंद्र वाइस प्रेसिडेंट और अन्य लीडर और कांग्रेस वर्कर जो है नरेंद्र करना प्रोसेशन निकाले और जलाए क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी जो है आवाम की रीढ़ की हड्डी टूट गई है जिस तरह आए दिन पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जो है हमारे वो आम जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, उद्योगपतियों के अंबानी और अदानी के प्रधानमंत्री हैं। हमारा जो टैक्स मनी है वो बेफालतू के जुमलेबाज और झूठे प्रचारों में इस्तेमाल हो रहा है आए दिन, जबकि बाहर से क्रूड ऑयल जो है सस्ता पड़ रहा है लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। यही लोग महंगाई की दुहार कर रहे थे जब 300 से 350 गैस सिलेंडर हुआ था कांग्रेस के टाइम पे, लेकिन अब इन लोगों के कान पे जूने रेंग रही है, लोगों की चीखों पुकार नहीं सुनाई दे रही है। जबकि नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ जॉब्स का वादा कर रहे थे, किसी को नहीं दिए, उल्टा क्या बोले, भजिया पकौड़े भेजो आप। क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये नहीं एहसास है कि पढ़ाई क्या है, उनकी तो फर्जी डिग्रियां हैं, झूठी डिग्रियां हैं। अगर उन्होंने तालीम पढ़े होते, एजुकेशन हासिल की होती तो उनको पता चलता था एजुकेशन क्या है, नौकरी क्या है। हमारे केसीआर जी है, उन्होंने भी झूठे वादे करते, बोले हर घर में एक जॉब दूंगा, अभी तक किसी को जॉब नहीं दिए। नरेंद्र मोदी जी बोले हर गाँव में हर घर में गैस सिलेंडर पहुँचाऊँगा, पहुँचाने की तो दूर की बात है। आम जनता को गैस सिलेंडर रिफिल करने तक के पैसे नहीं है, इतना गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। दोनों के इतने झूठे वादे हैं, दोनों फेंकम फाक कर रहे हैं, उधर नरेंद्र मोदी इधर केसीआर, दोनों एक ही सिक्के के हिस्से हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहाँ पीएम झूठा है या सीएम झूठा है, दोनों ने मिलकर देश को लूटा है, अवाम को लूट रहे हैं, अवाम का खून चूस रहे हैं। अवाम को अब जाग जाना चाहिए, होशियार खबरदार हो जाना चाहिए, देखना चाहिए उनके लिए, उनके बच्चों के लिए आने वाला भविष्य कैसा होगा, कैसी सरकार को चुनना। अब जनता को, ग्रेजुएट्स को बताना पड़ेगा, टीआरएस को, बीजेपी को, कि उनकी महंगाई की मार जो है वो उनकी हार है। एमएलसी इलेक्शन 14 मार्च को है, उस दिन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को आप जिताइए और अपना, अपने बच्चों का, भाई बहनों का भविष्य बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। जय कांग्रेस। खुशामदीद नाज़रीन। हैदराबाद का बिगेस्ट शॉपिंग इवेंट कोहिनूर एक्सपो 13 मार्च बरोज़ हफ्ता किंग पैलेस फंक्शन हॉल गुडी मलकापुर हैदराबाद में मुनाकिद किया जा रहा है। ये इवेंट सुबह 11 से रात 12 बजे तक रहेगा। इस एक्सपो में 200 से ज्यादा स्टॉल्स मौजूद रहेंगे जिसमें फूड, क्लोथिंग, इस्लामिक ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और दीगर शामिल है। साथ ही साथ बच्चों के लिए किड्स फन जोन भी मौजूद रहेगा। कोहिनूर एक्सपो में खरीदारों के लिए एक बम्पर ऑफर भी रखा गया है। 5,000 रुपए की खरीदारी पर आप जीत सकते हैं 25,000 रुपए का लकी ड्रॉ। स्टॉल्स और मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें। 13 मार्च किंग पैलेस मेहदीपट्टनम गुड्डी मलकापुर कोहिनूर एक्सपो जरूर आइए आप, आपकी फैमिली के साथ और बच्चों को लेकर आइए। प्ले जोन एरिया भी है और शॉपिंग के बहुत अच्छे स्टॉल्स लगने वाले।